नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस गर्मी में कुछ मैं आपको तीन फर्टिलाइज़र बताऊंगा जो आप अपने पौधों में दे सकते हैं, अपने गमलों में, जिससे कि आपके पौधे इस तपती गर्मी में भी काफ़ी हरे भरे होंगे और अच्छी ग्रोथ लेंगे। तो दोस्तों चूँकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है और जो हम ड्राई कंपोस्ट करते हैं वो मिट्टी में और जाके गर्म हो जाती है, तो मिट्टी को काफ़ी ज़्यादा गर्म कर देती है। तो हमें जो कंपोस्ट हम करते हैं वो हमें चाहिए ठंडी कंपोस्ट यूज करनी है ताकि मिट्टी में जो ठंडापन है वो बना रहे। तो मैं आपको वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, काफ़ी जानकारी मिलेगी आपको। और दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। तो जैसे देख पा रहे होंगे दोस्तों आप, ये जो मेरा लोबिया का पौधा है, लॉन्ग बीन्स कह सकते हैं, तो ये पौधा देखिए कितना हरा भरा और कितनी अच्छी ग्रोथ इसमें पौधे में है। और अब इसमें अच्छी फ्लॉरिंग भी स्टार्ट हो गई है, लोबिया बनने लगी हैं। देखिए ये मैं आपको दिखाऊं कि ये फ्लावर्स आने लग गए हैं इसमें, तो ढेर सारी अब इसमें लोबिया बनेगी। ये देखिए लोबिया भी बनने लग गई है। तो इसे हमें जो कंपोस्टिंग करनी है वो काफ़ी मिट्टी को जो हमें ठंडा रखना है जितना हो सके। तो जो ड्राई कंपोस्ट होती है, काउडंग कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, जब इन्हें हम मिट्टी में डायरेक्ट मिलाते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो उस गर्मी की वजह से भी काफ़ी हद तक पौधे जो है सर्वाइव करना, उससे जो न्यूट्रिएंट्स लेना होता है वो ले नहीं पाते हैं, तो इससे हमारे पौधे मरने लगते हैं। और वीडियो के आखिरी में मैं आपको एक जो फूलों से बना हुआ मेरा जीवामृत है उसको भी बताऊँगा, उसे भी यूज करें इस मौसम में तो वो आपके पौधों के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए दोस्तों। अब आइए मैं आपको एक एक करके वो कंपोस्ट बताता हूँ कैसे तैयार करना है और कैसे उसे अपने पौधों में यूज करना है। तो दोस्तों जो पहली कंपोस्ट है, देखिए हम जितने भी कंपोस्ट देंगे वो सारे लिक्विड फॉर्म में देंगे ताकि पानी के साथ जो हमारी कंपोस्ट है, एक तो जल्दी हमारे पौधे उसे अपने रूट्स के थ्रू फीड कर लें, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और जब वाटर के साथ जाता है तो वो थोड़ी ठंडी मात्रा में होती है। तो पहली जो कंपोस्ट है वो हमारी सरसों खली। सरसों खली से लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं, ये डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। और मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप करीब एक मुट्ठी सरसों की खली 1 लीटर पानी में भिगा दीजिए। भिगाने के बाद कुछ इस प्रकार देखिए आपको लिक्विड मिलेगा, और जब ये करीब 24 से 48 घंटे, कम से कम 24 से 48 घंटे आप इसको भिगाइए, और भिगाने के बाद इसे छान कर आप अपने पौधों में यूज कीजिए। तो मैं दोस्तों इसको दिखाता हूँ कि यूज कैसे करना है। देखिए हमने इसे इस प्रकार से छान लिया, आप चाहे तो बिना छाने भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने देखिए ये डाल दिया है, और छानने का मकसद सिर्फ इतना है, अगर आप जो ये चीज़ें बच रही हैं, ये खास करके ये जो बची हुई अवशेष है ये फंगस का कारण बनती है हमारी मिट्टी में, तो मैं इसे छान ले रहा हूँ। बाकी आप चाहें तो बिना छाने भी यूज कर सकते हैं, पर छान लेंगे तो जो फंगस आती है मिट्टी में वो बहुत ही उसकी फंगस काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए हमने इसे छान लिया है, और छानने के बाद जो हमें लिक्विड मिल रहा है उस लिक्विड में हम मिलाएंगे इसका 2 भाग पानी, यानी कि 1 लीटर पानी अगर हमने लिक्विड कंपोस्ट बनाई है तो इसमें 2 लीटर पानी हम और मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों 1 लीटर कंपोस्ट हमारी, और इसमें हमने दो लीटर पानी मिला लेना है, और 2 लीटर पानी मिलाने के बाद जो हमारी रेडी कंपोस्ट है इसको हम अपने पौधों में देंगे। अब देना कैसे दोस्तों, दो सभी कंपोस्ट को देने का तरीका एक ही होता है, आप अलग अलग तरीके से देते नहीं। जैसे लिक्विड कंपोस्ट जब भी हम देते हैं तो उससे पहले मिट्टी को हल्की नम कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो ड्राई मिट्टी होती है, अगर आपके पौधे की जो मिट्टी है, मैं दिखाऊँ आपको गमले की मिट्टी, अगर ड्राई होगी काफ़ी तो जब भी आप कंपोस्ट देंगे तो ऊपर की जो सतह होती है मिट्टी वो काफ़ी प्यासी होती है, और सारी की सारी कंपोस्ट वो वहीं एब्जॉर्ब कर लेती है, नीचे तक कंपोस्ट नहीं पहुंच पाती है। तो जो रूट्स पौधों के नीचे तक जा रही होती हैं, जैसे ये मेरे पौधे हैं, मिर्च के पौधे हैं देखिए, तो जो रूट्स इनके नीचे जा रही थी उन तक फर्टिलाइज़र नहीं पहुँच पाता है। तो इसलिए हमें जब भी कंपोस्टिंग करनी है उससे पहले मिट्टी को हल्का नम कर लेना है, और पौधे जिस भी पौधे के पास आप कंपोस्टिंग करने जा रहे हैं उसकी हल्की गुड़ाई कर लेनी है। तो मैं आपको दिखाऊं दोस्तों, देखिए जो जहां हमारी पौध लगी हुई है मिर्च की, मैंने इसके चारों तरफ हल्की हल्की
गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी को जब ढीली कर लेंगे हम, तब जब हम कंपोस्टिंग करेंगे, इसमें लिक्विड कंपोस्ट हम यूज करेंगे, तो ये रूट्स तक आराम से पहुंचेंगी। ये देखिए इस प्रकार से हमने इन्हें कंपोस्ट कर देना है। और एक पौधे में, अगर पौधे की छोटा पौधा है तो करीब 200 ml, बड़ा पौधा है तो 1 liter तक आप यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरसों खली आप यूज करें। अब दोस्तों आते हैं अपने दूसरे कंपोस्ट पर। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा कंपोस्ट है वो है काउडंग का, जो काउ मैन्योर है या फिर वर्मी कंपोस्ट, इससे बनाकर हम लिक्विड कंपोस्ट जो पौधों को देते हैं। तो ये जो लिक्विड कंपोस्ट हम देते हैं, इससे दो फायदे होते हैं दोस्तों। एक तो काफ़ी ठंडी होती है कंपोस्ट हमारी, और दूसरी पौधे उसे बहुत ही फास्ट फीड करते हैं। ड्राई कंपोस्ट को फीड करना थोड़ा लेट प्रोसेस होता है, पर जो लिक्विड कंपोस्ट होते हैं वो बहुत ही फास्ट पौधे फीड करते हैं, तो लिक्विड कंपोस्ट हमेशा ही लाभकारी होता है। तो दोस्तों इसे बनाने के लिए भी हमें क्या करना है, करीब 1.5 से 2 मुट्ठी हमने काउडंग मन्योर, या किचन वेस्ट आपका है तो वही ले लीजिए, जो भी आपके पास अवेलेबल, किचन वेस्ट या काउडंग मन्योर या वर्मी कंपोस्ट, तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं। करीब 1.5 से 2 मुट्ठी 1 liter पानी में आप ले लीजिए, और उसको भी करीब 24 घंटे से 48 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इसमें अच्छे से गीला मिल जाए उसके सारे तत्व पानी में, फिर उसे आप छान लीजिए। काउडंग कंपोस्ट को और भी बेहतर तरीके से लिक्विड कंपोस्ट कैसे बनाएं, इसका डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, जो कि हमारे पौधों के एनपीके के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। तो उसे भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही लाभकारी वीडियो होगा वो आपके लिए। तो दोस्तों उसे अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। तो इस प्रकार देखिए, ये हमने जो भिगा रखा था इसे हमने छान लिया है, और अब इसको मैं बताऊं आपको कि ये देखिए 1 liter पानी है, तो इसमें हमें जो रेशियो पानी का लेना है इसके बाद, वो सिर्फ 1 liter का ही लेना है, कि 1 liter पानी में हमने इसके अलावा 1 liter कंपोस्ट में 1 liter वाटर ऐड करना है, और उसके बाद इसे, ये रेडी टू यूज है, इसे हम यूज कर सकते हैं किसी भी पौधे पे। अब इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, मिट्टी में भी यूज कर सकते हैं और इसको हम पौधों पे स्प्रे भी कर सकते हैं। तो छानने के बाद ये फायदा होता है कि इसको हम पौधे पे अच्छे से स्प्रे भी कर सकते हैं, किसी भी पौधे में आप यूज कर सकते हो, चाहे वो आपका वेजिटेबल प्लांट हो या फिर कोई फ्रूट प्लांट हो, किसी भी प्लांट में आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए ये मेरी लॉन्ग बीन्स है लोबिया, तो मैं इसमें यूज कर रहा हूँ। इसकी गुड़ाई हम हल्के हाथों से कर लेंगे, देखिए इस प्रकार से, और मिट्टी में देखिए आपको दिखाई दे रहा है काफ़ी नमी अच्छी बनी हुई है। तो जब भी हम कंपोस्टिंग करेंगे ऐसे हालात में, तो सीधे जो हमारी कंपोस्ट है वो रूट्स तक पहुंच जाएंगी, जो फीडर रूट्स निकल रही होती हैं चारों तरफ, और वो फीडर रूट्स इसे एक्सेप्ट कर लेंगी, इससे जो भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है वो उसे ले लेंगी, और पौधे की ग्रोथ आपको हफ्ते भर के अंदर दिखाई देने लग जाएगी। फिर दोस्तों हम आ जाते हैं अपने लास्ट फर्टिलाइज़र पर। ये सीविड का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, सीविड ग्रैनुअल फॉर्म्स में भी आता है, आप उसे चाहें तो ग्रैनुअल्स को भी पानी में डाल के डिजॉल्व करके उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, अगर इसे आप यूज करते हैं तो इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसे यूज करने का जो तरीका है मैं आपको दिखाऊँ, कि ये 1 liter पानी में आप इसे करीब 7 ml ले लीजिए, देखिए कि जो इसके साथ ढक्कन आता है उस पर मार्क्स बने होते हैं, तो 1 liter पानी में से 7 ml करीब ले लीजिए, और इसको अच्छे से मिलाकर इसे आप तुरंत यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तैयार हो गया है फर्टिलाइज़र, जो सीविड फर्टिलाइज़र होता है, लिक्विड फर्टिलाइज़र। ये दोस्तों किसी भी पौधे के लिए, आपके जो वेजिटेबल प्लांट्स हैं या फ्रूट प्लांट्स हैं उसमें फ्लॉरिंग और फ्रूटिंग के लिए बहुत ही कारगर है, बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो इसको आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्ट इनको पौधों की जड़ में डाल के, मिट्टी में डाल के भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं, और इसको पौधों के ऊपर स्प्रिंकल करके, स्प्रे करके भी इसका एडवांटेज ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है ये। तो जिस पौधे में आपके फ्लॉरिंग या फ्रूटिंग नहीं हो रही है उसमें आप इसको यूज करेंगे, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, बहुत ही लाभकारी परिणाम इसके देखने को मिलेंगे। तो इसको भी मैं आपको बताऊं, यूज करने का तरीका सेम है, मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके उसमें आप इसको दीजिए पौधे को, और पौधे पे स्प्रे ज़रूर करें इससे। आप एक हफ्ते के अंदर इसको करके देखिए, अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप आगे यूज करना जारी रखें इसे।
आप महीने में एक से दो बार इसको यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार अगर आप यूज करते हैं तो आपके गार्डन में आपको हरियाली और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को जरूर मिलेगी। फिर दोस्तों आखिर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो मैंने फ्लावर्स जो मेरे गार्डन के जितने भी वेस्ट फ्लावर्स थे उन्हें मैंने पानी में डाल के रख दिया था और उससे बनाया हुआ है मेरा ये बायो एंजाइम है। तो इसको बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं, जितने भी वेस्ट फ्लावर्स आपके गार्डन से निकल रहे हैं, किसी भी पौधे के फूल किसी भी फूल का हो, तो आप उसको इकट्ठा कीजिए और पानी में डाल के करीब 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर उसे अच्छे से उसमें जब पूरा फूल गल जाए तो उसे निकाल के छान लीजिए और छानने के बाद किसी डिब्बे में इस प्रकार भर लीजिए और टाइट सील टाइट डिब्बे में भरिए और उसको आप अपने गार्डन में हर 10 से 15 दिन में एक बार यूज कीजिए। ये बहुत ही, देखिए गैस कितना ज़्यादा बना हुआ है इसमें, जितना अच्छा गैस बना होगा उतनी ही अच्छी आपकी कंपोस्ट काफ़ी दिन तक सेफ रहेगी। देखिए झाग बनना शुरू हो गया हमने जैसे ही खोला डिब्बा, तो इसको आपको 10 दिन पे 12 दिन पे एक बार जरूर डिब्बे को खोल देना ढक्कन को, ताकि ये गैस बन के फट ना जाए डिब्बा। तो इस प्रकार से इसे आप यूज कर सकते हैं। और इसको यूज करने का तरीका मैं आपको बताऊं कि करीब 4 से 5 ml इसका जो फर्टिलाइज़र है इसे आप 1 लीटर पानी में लीजिए और अपने पौधों पे इसका स्प्रे कीजिए, क्योंकि ये स्प्रे करने से ज़्यादा लाभ आपके पौधों पे इसका मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ लिक्विड कंपोस्ट है जिन्हें मैंने आपको दिखाया है, जो आप इन गर्मियों में अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं। और देखिए मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पौधे आपको मैं दिखाऊँ कितने हरे भरे हैं, कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है इस दोपहरी में, इस गर्मी में, इस धूप में। मेरे पौधे मैं आपको दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा मुझे इससे लाभ मिलता है। तो दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मेरी जानकारी थी, उसे मैंने आप लोगों के साथ साझा करा। अगर वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।